Hey everyone and welcome to the 64th episode of Anime News. So we are back और हम इस तरह बने रहेंगे अगर आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें. So आज हम बात करने वाले हैं Demon Slayer World Tour in India and its movies box office update, The Boy and the Heron wins Oscar, Haikyuu movie box office update, Fairy Tail anime sequel और भी बहुत सारी चीजों के बारे में. तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. सबसे पहले शाउट आउट टू ऑल द चैनल मेंबर्स फॉर जॉइनिंग एंड सपोर्टिंग द चैनल. यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस बाय क्लिकिंग दैट जॉइन बटन. पार्ट 1, एनिमे अनाउंसमेंट्स, ट्रेलर्स, प्रोमोस एंड मोर. एज यू ऑल नो, हमने पिछले कुछ दिनों में एनिमे एंड मांगा इंडस्ट्री के वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स अकीरा तोरियामा को खो दिया है. एट द एज ऑफ 68 ही डाइड ऑफ सबड्यूरल हेमाटोमा. उन्होंने दुनिया भर में अपने काम से एनिमे इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दिलवाई. ड्रैगन बॉल अपने आप में ही एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है और अकीरा तोरियामा हमेशा फैंस के दिलों में इसके थ्रू जिंदा रहेंगे. वी होप वेयर एवर ही इज ही फाइंड्स पीस. उन्होंने इंडस्ट्री में ढेर सारी रेस्पेक्ट कमाई और फैंस का इतना सारा प्यार कमाया. अपने वर्क और कैरेक्टर्स से उन्होंने अनगिनत मांगाकास और फैंस को इंस्पायर किया है. Hey guys, some notes and keys here. I heard the news. Our beloved Akira Toriyama died on March 1. It feels like कि तुम्हारा एक चाइल्डहुड फ्रेंड मर गया, you know. If it's not already apparent, I'm a big DBZ fan. Goku has always inspired me to, you know, strive for more, become better than you were yesterday, right? I mean, not just Goku, the values that Dragon Ball in general has taught us, okay, you know, with discipline, with never giving up, with hard work, you can achieve anything. And it's been the driving force to so many people, man. Like, kitne log gym jaate hain yaar, kitne cheezon ko mein tackle karte kya gaya yaar. Goku hota, agar koi banda koi DBZ mein se koi character hota to us cheez ko tackle kaise karta. He would just train, never give up and keep on, you know, going. To know the guy who created these values in this anime is dead now, of course it's really sad, but now that I've had some time to process it, like 2 din ho chuke hain cheez ko, I'm happy that we had the chance to, you know, watch his creation. Nick Akira Toriyama khud bola tha ki the goal is to not, you know, live forever, but to create something that does. And he did. So, I'm just thankful for him. Thank you, Akira Toriyama. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc टेलीविजन एनिमे के लिए एक लाइव स्ट्रीम्ड स्पेशल के दौरान एक नया प्रोमोशनल वीडियो एंड की विजुअल रिलीज किया गया है. वीडियो में अनाउंस किया गया है कि एनिमे 12 मई से एक 1 आवर स्पेशल के साथ प्रीमियर होगा. वीडियो में इसका ओपनिंग सॉन्ग मुगेन बाय माय फर्स्ट स्टोरी एक्स हीडे भी फीचर्ड है. इसके अलावा डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के 2 कंपाइलेशन स्पेशल्स भी 4 और 5 मई को एयर होंगे. हायाओ मियाज़ाकी की द बॉय एंड द हेरॉन ऑस्कर्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की कैटेगरी में जीत हासिल कर चुकी है, पर मियाज़ाकी पर्सनली इस अवार्ड को वहां पर लेने के लिए मौजूद नहीं थे. 2003 की स्पिरिटेड अवे के बाद ये उनका दूसरा ऑस्कर है. इससे पहले उन्हें हाउस मूविंग कासल और द विंड राइजेस के लिए भी नॉमिनेशंस मिल चुके हैं. एंड नो डाउट कि द बॉय एंड द हेरॉन करेंटली वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एनिमे फिल्म है. बस पता नहीं हमारा PVR इसे कब रिकॉग्नाइज करेगा. जुजुत्सु काइसेन ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि सुकुना वर्सेस माहुरागा को इंप्रूव्ड वर्जन और एक्सटेंडेड एनिमेशन फुटेजेस के साथ रिलीज किया जाएगा. ऑफिशियल जुजुत्सु काइसेन वेबसाइट के अकॉर्डिंग शिबुया इंसिडेंट आर्क के एपिसोड 17 से 20 तक के ब्लूरे वर्जन्स को जापानीज थिएटर्स में मार्च 29 से अप्रैल 4 तक स्क्रीन किया जाएगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सीजन 2 एपिसोड 17 यानी कि बैटल बिटवीन माहोरागा एंड सुकुना, जिसे स्टाफ के अकॉर्डिंग 30% ही कंप्लीट किया गया था, उसका नया ब्लूरे वर्जन विद एडिशनल कट्स एंड रिवाइज्ड फुटेज इसके साथ रिलीज की जाने वाली है. और अगर ये लोग इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज करने का भी प्लान कर रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट एन एक्सपीरियंस टू सी सच अ ग्रेट फाइट ऑन द बिग स्क्रीन विद कंप्लीटेड एनिमेशन. माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 का सेकंड टीवी कमर्शियल हाल ही में रिलीज किया गया है. एनिमे 4 मई के लिए शेड्यूल्ड है. इसी के साथ इसके रीकैप एपिसोड की एयरिंग की भी अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें MHA मेमोरीज के नाम से 4 एपिसोड्स दिखाए जाएंगे, जिनकी शेड्यूल्ड डेट्स हैं 6, 13, 20 एंड 27 अप्रैल. इसके अलावा इसका एक की विजुअल भी रिलीज किया गया है. हाइक्यू मूवी डिसाइसिव बैटल एट द गार्बेज डंप जापानीज बॉक्स ऑफिस पर 2 हफ्तों तक धमाल मचाने के बाद अब दूसरे पोजीशन पर आ गई है.
मूवी ने 5.14 बिलियन येन यानी कि 34 मिलियन यूएस डॉलर्स का कलेक्शन किया है, तो वहीं डेमन स्लेयर टू द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क मूवी भी 1.92 बिलियन येन यानी कि 12.8 मिलियन डॉलर्स के कलेक्शन के साथ अपने फिफ्थ वीक में सेवंथ पोजीशन पर बनी हुई है। इट्स अ गुड थिंग कि डेमन स्लेयर की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के बाद भी जापान ने इस मिल्किंग प्रोडक्ट को उतना भाव नहीं दे रखा है और हाईक्यू की मूवी जिसमें एक्चुअल स्टोरी है उसको देखना लोग प्रेफर कर रहे हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि हाईक्यू को डीथ्रोन किसने किया? वेल, इट इज नन अदर देन डोरेमोन द मूवी नोबिता'स अर्थ सिम्फनी। ये मूवी जापान में हाल ही में रिलीज हुई है और इसने 655 मिलियन येन या 4.37 मिलियन डॉलर्स की अर्निंग की है। इसके अलावा गॉडजिला माइनस वन प्रीवियस संडे तक जापान में अपने 122 दिन की स्क्रीनिंग पूरी कर चुकी है और ये फिल्म 6 बिलियन येन यानी कि 39.9 मिलियन यूएस डॉलर्स की अर्निंग के साथ 2023 की जापान की नंबर वन लाइव एक्शन मूवी बन चुकी है। ब्लू लॉक की स्पिन ऑफ मूवी ब्लू लॉक एपिसोड नागी का फुल ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। ट्रेलर में फिल्म का थीम सॉन्ग स्टॉर्मी बाय आर्टिस्ट निसी एंड स्काई हाई भी फीचर्ड है। इसके साथ फिल्म की कास्ट एंड स्टाफ मेंबर्स की डिटेल्स भी रिलीज की गई हैं। मूवी को शुनसुके इशिकावा डायरेक्ट कर रहे हैं और इसकी स्क्रिप्ट एंड सुपरविजन का काम कर रहे हैं ताकू किशिमोतो, जो इससे पहले हाईक्यू, सिल्वर स्पून और फ्रूट्स बास्केट पर काम कर चुके हैं। मूवी जापान में 19 अप्रैल को रिलीज होगी और मूवी शेइशिरो नागी के कैरेक्टर पर फोकस करेगी और स्टोरी उसके ब्लू लॉक फैसिलिटी में एंटर करने से पहले की होगी। नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल ने युकिनोबु तात्सु की मांगा डेंडेडेन के मोस्ट अवेटेड एनिमे एडेप्टेशन की स्ट्रीमिंग को लेकर अनाउंसमेंट की है, जहां क्रंची रोल इसे साइमलकास्ट करने वाला है एट द सेम टाइम एज जापान, वहीं नेटफ्लिक्स इसे वर्ल्ड वाइड स्ट्रीम करेगा। एनिमे अक्टूबर के लिए शेड्यूल्ड है और इस एनिमे के प्रोडक्शन का काम साइंस सारू कर रहा है। फेरी टेल के सीक्वल एनिमे फेरी टेल 100 इयर्स क्वेस्ट का एक नया टीजर वीडियो रिलीज किया गया है जिसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई है। हीरो मिशिमा की मांगा फेरी टेल 100 इयर क्वेस्ट के इस एनिमे को जेसी स्टाफ एनिमेट कर रहा है। ये जुलाई 2024 के लिए शेड्यूल्ड है और इसके साथ इसके मेन कैरेक्टर के पोस्टर विजुअल्स भी रिलीज किए गए हैं और इसकी कास्ट एंड स्टाफ मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, जहां शिंजी इशिहारा इसके चीफ डायरेक्टर होने वाले हैं और तोशिनोरी वातानाबे इस एनिमे को डायरेक्ट करेंगे, जो इससे पहले इसके प्रीवियस एनिमे की भी स्क्रिप्टिंग एंड सुपरविजन पर काम कर चुके हैं। द 10th एनुअल एनिमे ट्रेंडिंग अवार्ड्स अनाउंस हो चुके हैं और हेवनली डिल्यूजन एनिमे ऑफ द ईयर के साथ 4 और अवार्ड्स अपने नाम कर चुका है। इस साल के अवार्ड्स में बाकी दूसरे टाइटल्स जो इस अवार्ड शो को डोमिनेट किए उनमें है ओशिनोको विद 7 अवार्ड्स, मोबाइल सूट गंडम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी सीजन 2 विद 3 अवार्ड्स, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 द एमिनेंस इन शैडो एंड माय हैप्पी मैरिज जिन्होंने 2 अवार्ड्स जीते हैं और बाकी की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। और लगता है इनका भी मन नहीं है विलेन सागा सीजन 2 को एक्नॉलेज करने का। वेल, एटलीस्ट इन्होंने जुजुत्सु काइसेन एंड डेमन स्लेयर को छोड़ के कुछ तो एक्नॉलेज किया, अनलाइक इसी के साथ जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एनिमे के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अनाउंस किया गया है कि एनिमे अब अडल्ट स्विम के टूनामी पर 30 मार्च से दिखाया जाएगा। रिक एंड मॉर्टी दी एनिमे सीरीज का एक अर्ली प्रीव्यू अडल्ट स्विम के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम किया जा चुका है और इसका टाइटल है टैमी वर्सेस स्पेस पैथ। एनिमे की कोई रिलीज डेट अब तक नहीं दी गई है, बट ये कंफर्म है कि इसको 2024 में ही प्रीमियर किया जाएगा। इसके अलावा कॉल ऑफ द नाइट को सेकंड सीजन मिलने की अनाउंसमेंट हो चुकी है, साथ ही इसका एक टीजर और वीडियो भी रिलीज किया गया है। इस एनिमे को लीडन फिल्म स्टूडियो ही प्रोड्यूस कर रहा है। साथ ही मोस्ट अवेटेड वेबटून अडेप्टेशन वायरल हिट का भी एक नया प्रोमोशनल वीडियो रिलीज हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग एनिमे 10th ऑफ अप्रैल से प्रीमियर होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ प्रोमो वीडियो में इसकी ओपनिंग थीम वाइल्ड बॉय बाय मैसिव द रैम्पेज और एंडिंग थीम वायरल हैक बाय क्रैप कानी क्लब भी फीचर्ड है। इसके साथ जो एनिमे जल्द ही रिलीज होने वाले हैं विद देयर रिलीज्ड विजुअल्स आर स्वॉर्ड ऑफ द डेमन हंटर समर 2024, कोनोसुबा गॉड्स ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड अप्रैल 10, विंड ब्रेकर 4th April, Whatever the Fuck This Is 7th April, Ultraman Rising CG Animated Film Netflix पर रिलीज होगी 14 जून को, Tonari no Yokai-san 6 April, The Fable 6 April, The Misfit of Demon King Academy Season 2 Part 2 12 April, Nina the Starry Bride October 2024, The Duke of Death and His Mate Season 2 7 April, Astronaut and High Speed E-Toil on 5th April, Part 2 Manga and Light Novels। Summertime Rendering के मांगा का यासुकि तनाका अपनी नई मांगा लॉन्च करने वाले हैं। इसका टाइटल होने वाला है घोस्ट फिक्सर्स और इसे 22 मार्च के लिए शेड्यूल किया गया है। अनाउंसमेंट में इसको एक अनरियलिस्टिक कैलिब्रेशन एक्शन बताया जा रहा है, व्हाटएवर दैट मींस। इसके साथ साथ डॉक्टर स्टोन के मांगा का बोइची और कोरियन मानवा राइटर इन वॉन योन की मांगा सुपर स्ट्रिंग मार्को पोलोस ट्रेवल टू द मल्टीवर्स भी 6 मार्च को अपने फाइनल चैप्टर के साथ एंड हो चुकी है। ये स्टोरी एक मार्को पोलो नाम के लड़के को फॉलो करती है जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा है। इस स्टोरी में अलग अलग डायमेंशन से हीरोज आते हैं और एक वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके
डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये एक हाइपर डायमेंशनल एक्शन सीरीज है, चाहो तो रीड कर सकते हो, वरना बुइची के और भी वर्क्स हैं जो देखने लायक हैं। रिसेंटली डिजिमॉन कॉन 2024 लाइव स्ट्रीम इवेंट के दौरान ये रिवील किया गया है कि डिजिमॉन फ्रेंचाइजी के स्टाफ के द्वारा एक वेब मांगा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर मांगा इंग्लिश और जापानीज में रिलीज की जाएंगी और इस पर फर्स्ट डिजिटल इशू समर 2024 में रिलीज होगा, जो तेनिया याबुनो की नई डिजिमॉन मांगा डिजिमॉन ड्रीमर्स से होगा। इसके अलावा भी डिजिमॉन पॉप कल्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को इस पर रिलीज करने की तैयारी है। इसके अलावा ये कुछ मांगा है जो अपने फाइनल फेज में है और जल्द ही एंड हो जाएंगी। डीमन स्लेयर किमित्सु अकेडमी, गंडम F90FF मांगा, फेट अपोक्रिफा एंड कॉफी मून। पार्ट 3 एनिमे गेमिंग न्यूज। बुशीरोड गेम्स एंड 18 ने रिलीज किया है कि हंटर हंटर पर बेस्ड फाइटिंग गेम हंटर हंटर 9 इंपैक्ट PS5 निंटेंडो स्विच और PC के लिए रिलीज की जाएगी। इस गेम का डेमो जापान में 27 अप्रैल से अवेलेबल हो जाएगा जापान के ईवो इवेंट के दौरान। कैपकॉम ने अपने गेम स्ट्रीट फाइटर 6 के अपकमिंग DLC कैरेक्टर आकुमा का न्यू टीजर ट्रेलर रिलीज किया है। आकुमा को गेम में इस स्प्रिंग में ऐड किया जाएगा, जो कि फाइनल कैरेक्टर होगा गेम के ईयर 1 कैरेक्टर पास का, और इसके साथ ईयर 1 पास के कैरेक्टर्स को 3 आउटफिट्स भी रिसीव होंगी। इसके अलावा साई गेम्स ने रिलीज किया है कि ग्रैंड ब्लू फैंटेसी वर्सेस राइजिंग फाइटिंग गेम में वेन और बियाट्रिक्स को एज अ प्लेएबल कैरेक्टर ऐड किया जाएगा, जहां वेन को अर्ली अप्रैल और बियाट्रिक्स को मे एंड तक ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा साई गेम्स कंपनी ने ग्रैंड ब्लू फ्रेंचाइजी की ही एक और गेम ग्रैंड ब्लू फैंटेसी रीलिंक का रोड मैप अपडेट अनाउंस किया है, जहां इस गेम के वर्जन 1.1.0 में ये अपडेट 14 मार्च तक होगा, जिसमें एक न्यू फ्री क्वेस्ट ऐड किया गया है द फाइनल विजन। पार्ट 4 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। नेटफ्लिक्स के इंडियन रीजन में क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 2 1 मार्च से स्ट्रीम होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा पैरासाइट मांगा पर बेस्ड के ड्रामा सीरीज पैरासाइट द ग्रे भी 5 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। क्रंचीरोल ने रिसेंटली स्प्रिंग 2024 के टाइटल्स अनाउंस किए हैं जो इंडियन रीजन में भी स्ट्रीम होंगे, इंक्लूडिंग हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब्स, जिसमें है बारटेंडर, ग्लास ऑफ गॉड, विंडब्रेकर, अ कंडीशन कॉल्ड लव, वैम्पायर डॉर्मिटरी, वायरल हिट शैडोवर्स फ्लेम आर्कहेन, काइजू नंबर 8 एंड ब्लैक बटलर। ये किस डेट और किन लैंग्वेजेस में स्ट्रीम होंगे वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है। नारुतो शिपुडेन सोनी ये पर 18 मार्च से फाइनली एयर होना शुरू हो चुका है। मंडे टू फ्राइडे ये सोनी ये पर टेलीकास्ट हो रहा है रात 10 बजे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड बंगाली डब में। टाटा प्ले के टाटा प्ले बिंज सब्सक्रिप्शन में रिसेंटली एनिमैक्स को एज अ OTT प्लेटफॉर्म ऐड किया गया है। एनिमैक्स पर कुरोकोस बास्केट, याशा हिमे हाफ डीमन प्रिंसेस, ब्लैक क्लोवर, नारुतो, हाइक्यू, वाई स्कूल हीरोज, फ्रूट्स बास्केट, रेंट अ गर्लफ्रेंड एंड जैसे बहुत से टाइटल्स करेंटली स्ट्रीम हो रहे हैं। एनिमैक्स टाटा प्ले के अलावा जियो टीवी पर भी अवेलेबल है और Amazon प्राइम पर भी एज एन एड ऑन पैक ऑफ 299 पर ईयर। Amazon प्राइम की बात चल ही रही है तो Amazon प्राइम पर एक डेडिकेटेड एनिमे चैनल एनिमे टाइम्स भी कुछ मंथ्स पहले ही लॉन्च हुआ है और उन्होंने हाल ही में कुछ एनिमे सीरीज को इंडियन रीजन में ऐड किया है, जिनमें है फेरी टेल, साइबॉर्ग 009 द साइबॉर्ग सोल्जर के 6 एपिसोड्स और पैराडॉक्स लाइव द एनिमेशन सीरीज। पिकुरी मैन और स्पाई फैमिली के हिंदी डब्स को भी इस मार्च में ऐड किया जाएगा। एनिमे टाइम्स का एड ऑन पैक 899 पर ईयर का है, बट दे आर हैविंग अ करंटली लिमिटेड ऑफर सेल जिसमें आपको ये सब्सक्रिप्शन 499 में मिल जाएगा, विच इज वैलिड टिल 3rd ऑफ अप्रैल 2024। ऑल्सो क्रंचीरोल चैनल भी जल्द ही Amazon प्राइम पर लॉन्च होने वाला है। दे आर राइट नाउ इन अ टेस्टिंग फेज। क्रंचीरोल के कैटलॉग से जिन एनिमे की टेस्टिंग चल रही है उनमें है सुजुमे, द डेविल इज अ पार्ट टाइमर, सेलर मून क्रिस्टल, माई ड्रेस अप डार्लिंग एंड चेनसॉ मैन। क्रंचीरोल ऑलरेडी काफी रीजन्स में Amazon प्राइम पर एज एन एड ऑन पैक एड हो चुका है और बाकी इंडिया के लिए इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही की जाएगी। PVR पिक्चर्स 2 एनिमे मूवीज और रिलीज करने वाला है इन द अपकमिंग मंथ्स। पहली मूवी है म्यूजिकल जैज मूवी ब्लू जायंट, जिसे डायरेक्ट किया है युजुरु ताचिकावा ने, हु इज नोन फॉर मॉब साइको 100 एंड डेथ परेड, और इसे प्रोड्यूस कर रहा है स्टूडियो नट। लेकिन अभी तक मूवी को लेके कोई ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं दी गई है। दूसरी मूवी है सिटी हंटर एंजल डस्ट, जो बुक माई शो और PVR की वेबसाइट पर 5 अप्रैल के लिए लिस्टेड है। ये मूवी 90s की क्लासिक मांगा सिटी हंटर पर बेस्ड है और सूत्रों के मुताबिक ये मूवी मांगा के फिनाले को अडेप्ट कर रही है। बाकी इसकी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। डीमन स्लेयर टू द हाशिरा ट्रेनिंग एपिसोड स्क्रीनिंग, जो 22 फरवरी को इंडियन थिएटर्स में हुई थी, उसने अपने ओपनिंग वीकेंड में 4.6 करोड़ रुपीस की अर्निंग की है। फर्स्ट 6 डेज का कलेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं, और अभी ये इंडिया में 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग ओपनिंग वीकेंड फॉर एनी इंटरनेशनल फिल्म है। इसके अलावा डीमन स्लेयर टू द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके
वर्ल्ड टूर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है कि ये वर्ल्ड टूर मुंबई में 20 अप्रैल को इंडिया में होने वाला है और इंडिया इस वर्ल्ड टूर का लास्ट डेस्टिनेशन होगा। इस इवेंट में होने वाली स्क्रीनिंग को लीड कैरेक्टर तांजिरो कमादो के वॉइस एक्टर नात्सुकी हनाए और एनीप्लेक्स के प्रोड्यूसर युमा ताकाहाशी अटेंड करने वाले हैं। जो फैंस इस वर्ल्ड टूर को अटेंड करेंगे उन्हें इनसे मीट एंड ग्रीट करने का मौका मिलेगा एंड जस्ट मे बी वी विल बी देयर एज वेल फॉर कवरिंग द इवेंट। सो See you there. Crunchyroll ने हैदराबाद सिटी में अपना सेकेंड इंडियन ऑफिस चालू किया है। कंपनी का नया हैदराबाद ऑफिस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, क्यूरेशन एंड प्रोग्रामिंग, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स से डील करेगा। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, डेटा एंड इंजीनियरिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स की टीम्स भी इसी नए ऑफिस में रहेंगी। Crunchyroll ने ये भी बताया है कि आउटसाइड द जापान इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमे कंज्यूमर आफ्टर यूएसए और फरवरी तक Crunchyroll ने 830 टाइटल्स इंडिया में ऐड किए थे which is around 8,000 hours of content और इसमें से 70 titles को Indian languages में भी dub किया गया है। Z Cafe Anime Fan Fest का second edition Bengaluru में होने वाला है on March 23rd and 24th Divinity Mall में। Entry free of cost है, you just have to register yourself from Paytm Insider app। Registration link आपको description में मिल जाएगा। Comic Con India 2023-24 का final edition मुंबई में होने वाला है 20 और 21 अप्रैल को at Jio World Convention Center। Tickets आप Comic Con India या फिर बुक माई शो से परचेज कर सकते हैं एंड फॉर 10% डिस्काउंट ऑन पासेस यू कैन यूज द कूपन कोड MCCPoster10। और आज की आखिरी और ताजा खबर आ रही है कि इंडियन वीप्स के लिए हुआ है एक नया पॉडकास्ट चैनल शुरू। नहीं, इट्स नॉट बाय Crunchyroll, इट इज बाय योर्स ट्रूली। हाँ, हमारा एक पॉडकास्ट एंड स्ट्रीमिंग चैनल था बट वी काइंड ऑफ अबैंडन्ड इट एंड वहां पे सिर्फ अटैक ऑन टाइटन की बात होती थी ले देकर, बट यहाँ हम वीकली सभी एनिमे के बारे में बात करेंगे, चाहे वो सीजनल्स हो, क्लासिक्स हो एंड और भी बहुत सी तरह की activities planned hai, so you guys will see a lot of fun on that channel. It's chai with senpai, hum log chai ke saath baithenge aur karenge wahi jo har Indian ke rag rag mein hai, chai ka nasha aur bakchuti. So go and subscribe chai with senpai, wahan par mulaqat hogi aapse har Sunday ki sham ko and filhal main yahan se chalta hu, main jald hi milunga aapse next video mein aur channel par kuch aur videos bhi dal rahi hain beech beech mein, so make sure you check them out as well. Till then follow anime tm talks for weekly fun content and weep central on Instagram for anime news and updates. Bye bye, see you next week.